जल ही जीवन है, लेकिन सोचिए अगर धरती से जल ही खत्म हो जाए तो कैसा होगा। जाहिर सी बात है, इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज के समय में इंसान जितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से प्रकृति का दोहन भी हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। कुछ समय पहले चेन्नई में पानी की इतनी किल्लत हो गई कि वहाँ होटल और रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ा। कर्मचारियों को अपने घर से काम करने को कहा गया। यहाँ तक बताया जाता है कि शहर में पानी बचाने के लिए साबुन और शैम्पू के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ ही रोजाना नहाने पर रोक लगा दी गई। रिसर्च से सामने आया है कि जल संकट का सामना ज्यादातर ऐसे शहर कर रहे हैं जो नदियों किनारे बसे हैं। आबादी ज्यादा होने की वजह से नदियों के पानी का बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2025 तक दुनिया की 1.8 अरब आबादी भारी जल संकट का सामना करेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जल संकट के हालात तब होते हैं जब पानी की सालाना सप्लाई प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। पिछले दो साल में केप टाउन पानी के संकट की वजह से काफी चर्चा में है। पिछले साल यहाँ एक बांध की पानी की क्षमता 13.5% कम हो गई, जिसकी वजह से 40 लाख की आबादी को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रशासन ने ऐलान किया कि शहर सूखे की कगार पर पहुंच चुका है। प्रशासन ने पानी की समस्या से निपटने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग समेत दूसरे तरीके से उपलब्ध हो रहे पानी के संरक्षण पर जोर दिया। लेकिन परेशानी की बात है कि अभी भी पानी की समस्या जिसकी तस बनी हुई है। मेक्सिको सिटी का नाम उन शहरों में शामिल है जो लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ ज्यादातर पानी अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता है। पानी की सप्लाई के लिए यहाँ लोगों को पंप के भरोसे रहना पड़ता है। 2.1 करोड़ की आबादी वाले इस शहर को हर हफ्ते कुछ ही घंटे पानी भरने को मिलता है। यहाँ पाइपलाइन की क्वालिटी काफी खराब है, जिसकी वजह से कुल सप्लाई का 40% पानी बर्बाद हो जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा जल संकट से जूझ रही है। हालांकि यहाँ नील नदी है, लेकिन इससे काहिरा के अलावा पूरे देश में पानी की पूर्ति होती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और खेती की वजह से जहाँ जल संकट बढ़ता चला जा रहा है, वहीं कूड़े कचरे की सही व्यवस्था न होने की वजह से नील नदी पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे नील नदी भी खतरे में आ खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2025 तक मिस्र में भारी जल संकट की स्थिति देखने को मिलेगी। जापान के टोक्यो शहर का नाम जल समस्या से जूझ रहे शहरों की लिस्ट में शुमार है। टोक्यो को हर साल रेनी सिटी के नाम से मशहूर अमेरिकी शहर सिएटल के बराबर पानी मिलता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 4 महीने के लिए होता है। यहाँ पानी की समस्या को दूर करने के लिए शहर के 750 सार्वजनिक और निजी इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ की आबादी करीब 3 करोड़ से ज्यादा है और इस शहर के 70% लोग पीने के पानी के लिए नदी, झील और पिघली बर्फ के पानी पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पानी की बर्बादी को महज 3% तक रोकने का टारगेट रखा गया है। 1960 से टोक्यो को साल में कम से कम एक बार पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी जल संकट बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 70% से ज्यादा जल स्रोत प्रदूषित हैं। जकार्ता में आधी से कम आबादी के लिए पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाती है। इस शहर का नाम उन शहरों की लिस्ट में शुमार है जहां समुद्री स्तर तेजी से कम होता जा रहा है। हर साल यहां का वाटर लेवल 7 से 20 सेंटीमीटर घटता जा रहा है। ब्राजील की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले साओ पोलो में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर की स्थिति केप टाउन जैसी हो गई है। सूखे के कारण यहाँ महज 20 दिन के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुँचाया जाता है, जिसके लिए सुरक्षा के भारी इंतजाम भी किए जाते हैं। दरअसल 2014 में यहाँ भयंकर सूखा पड़ा, जिस कारण जल की क्षमता 3% तक गिर गई। लेकिन अमेजन के जंगलों की अंधाधुंध कटाई और 31% पानी के बर्बाद होने के कारण समस्या और बढ़ती चली गई। अब यहाँ जल संकट की स्थिति बनी हुई है। ग्रीन पीस ईस्ट एशिया की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में चीन की राजधानी बीजिंग में 40% पानी प्रदूषित हो चुका है।
यही नहीं, इस शहर का जलस्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दुनिया की आबादी का 20% हिस्सा चीन में है, जबकि कुल मौजूदे मीठे पानी का मात्र 7% हिस्सा ही यहाँ पर उपलब्ध है। एक शोध के मुताबिक 2000 से 2009 के बीच यहाँ जल संसाधनों की क्षमता में 13% तक की कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में भी पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में 1997 से 2009 के बीच भयंकर सूखा पड़ा। दरअसल शहर के बड़े हिस्से से जंगल खत्म होने की वजह से यहाँ पानी की काफी कमी हो गई। आलम यह है कि अब यहाँ सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जिसे बारिश के शहर के रूप में जाना जाता है, आज इसे भी भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लंदन में सालाना 600 मिलीमीटर तक बारिश होती है, जो कि पेरिस और न्यूयॉर्क से कम है। शहर की जरूरत का 80% पानी नदियों से आता है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण सैकड़ों पाइप फट गए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया। शहर की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ पर पानी की मांग बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जलस्तर गिरता चला गया। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि शहर में आबादी काफी बढ़ गई है और 2025 तक यहाँ पानी का संकट बढ़ जाएगा। साथ ही अगले दो दशकों यानी 2040 तक स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। भारत में चेन्नई के अलावा और भी कई शहर हैं जहां पानी की काफी किल्लत है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी की इतनी कमी है कि वहां इमारतों को बनाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पीने के पानी का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटी फूटी पाइपलाइन की वजह से बर्बाद हो जाता है। यहां झीलों का पानी भी प्रदूषित हो चुका है, जिसमें से 85% पानी केवल सिंचाई या दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा कोलकाता में भी पानी की स्थिति काफी खराब है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे बड़े शहर थे जो पानी की भारी किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पानी देखने को भी नसीब ना हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।